लोकेशन तो देखो यार, तुम्हें इसमें भी दिख रही होगी कितनी बेहतरीन है। अब इस भाई का स्ट्रगल बेटे, हाँ ऐसे रहेगा ना आशु, तो पीछे ना वो भी हो जाएगा, पीछे से गाड़ी तेरे ऊपर से जाने में भी वो नहीं होगी दिक्कत। चल ले चल ले आशु, बर्नआउट मारते हुए आउट ना हो जाना बस। आशु बर्नआउट की कोशिश कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, सादर प्रणाम, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसका सीन ऐसा है कि मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ कुछ काम से, और यहाँ पर आज मेरा दोबारा वीडियो बनाने का रीज़न सिंपल है कि मुझसे मिलने सजल भैया और साथ में आशुतोष हमारे भैया, मेजर भैया जो आजकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग हमसे मिलने यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैंने जस्ट देखा नीचे, अब भी मेरी नज़र गई और वो पहुँच भी चुके हैं, तो मैंने बोला भैया सीधे ऊपर आ जाओ। और हेयर दे यार, ये कौन है? ये छोटा पार्षद। छोटा पार्षद कि छोटा पंडित? नमस्कार नमस्कार दर्शकों को। आजकल का जमाना ऐसा नहीं है, पहले दर्शकों को हाई बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये दोनों लोग मुझसे मिलने तो आ ही चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इनको यहाँ की सैर कराई जाए, आसपास की दुनिया घुमाई जाए। क्या कह रहे हैं? ये बढ़िया लोकेशन है। क्या बढ़िया लगा तेरे को इस लोकेशन में? अब जब घुस रहे हैं तो डीपी घुसते हैं ना भाई, क्या अच्छा लगा तेरे को? देखो हाँ। हमें प्लेन नजर आ रहा है। का है प्लेन? अभी उड़ गया ना वो तो। अच्छा फिर ठीक है। और सामने वो सजल वैसे पूछ रहा था, यहाँ पे मंदिर दिख रहा था टॉप में। अब तो बोलेगा वो टॉप वाला मंदिर का भद्रा तो नहीं? ना ना भद्रा जहाँ कैसा तो सब देखेंगे ना, लेकिन ये वाले जो मंदिर है ना, ये सारे के सारे नरेंद्र नगर हो गया, टिहरी हो गया, ये चंबा हो गया, इन सब के पहाड़ है वो सामने, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं। बढ़िया है यार, पक्का कन्फर्म बता? बढ़िया है, मुझे तो मज़ा आ गया भैया। मजा आ गया तो आज ये की बात रह जा। हाँ ये किस में आज ये रह जा। रात को जॉली ग्राउंड वो पुलिस चौकी जाएंगे खाना खाने। रात को पुलिस? हाँ काम ऐसे हैं तेरे कि पुलिस चौकी में खाना जाएगा तो तो फिलहाल हम निकल पड़े हैं आशु को घुमाने। आशु कहाँ जा रहे हैं घूमने? हम जा रहे हैं थानो। हाँ मेरे बाबू ने थानो थाया। ये देखना आज प्रो राइडर बना हुआ है, आज इकलौता है जो गाड़ी चलाएगा। है आज 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाऊँगा, सोसा निकालूंगा उसके घर के सामने से। किसके घर के सामने से? किसी के वो दिल जली के सामने से? किसी के तो घर के सामने से। बोले तो रोके, बोले गाड़ी भैया के नाम पे चलाना तो रास्ता। देखो इस बेहतरीन जगह में लाने का इनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, ये यहाँ पर भी वही कर रहे हैं जो ये हमेशा से करते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ। अरे भाग क्यों रहे हो यार? ये देख रहा, मैंने बोला था ना। अरे भाग रहे यार, मैं थोड़ा स्टिल रहो ना। देख रहा गुस्सा भी कर रहा है वो भी कर रहा है भाई। देखो मैं तो रेडी हूँ बनाने के लिए। देखो गो, ये जल्दी कर लो। और एक बात है जब हम जा रहे होते हैं ना ऐसे, हाँ। और कोई ऐसा भागता सामने से तो गालियां तो हमारे मुंह से भरपूर निकलती हैं। एक बार दिखाना भैया। तू क्या सोच रहा है बता ना, क्या सोच रहा है? क्या दिक्कत हो गई? नहीं बढ़िया सी फोटो मैं तो मेरी ले लेते, कोई मजा आ जाए। क्या लेते तेरी? बढ़िया सी फोटो ना। बढ़िया सी फोटो इस जगह पर? देख लोकेशन बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, फोटोग्राफर बढ़िया है। अब बढ़िया सी फोटो ना आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ बढ़िया मॉडल नहीं है तो ही होगा लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलिए इसकी बढ़िया फोटोज खींच के देखते हैं कैसी आती है। ये देखो ये चल रहा है यहाँ पर बढ़िया सी जगह में, ये सब काम पीछे से गाड़ी आ रही, मैं तो दोनों की उड़ती हुई देख रहा पीछे पीछे का सच्चा। आशु भाई साइड हो रहा लेकिन चिल्ला तो मत ना, पागल लग रहा पूरा। हाथी आएंगे, हाथी आते हैं देख रहे। ओवर ब्राइट कर दिया तो दिखा दिखा इसकी डिटेलिंग, तो दिखा कंट्रास्ट कम कर देना ना। ये है इसकी डिटेलिंग, ये है इसकी डिटेलिंग। ली थी मैंने, क्यों ले ली? तूने पता क्या करा तूने? वो करके ना पीछे का बैकग्राउंड भी खराब कर दिया। चलो भाई एकदम मेरी कैसे मस्त सी फोटो खींचो जिसको देखो। अब पहले मुझे संतुष्ट करो अपने टैक्स बता रहा इसका भी तो है भाई, मेरी वो फोटो आ जाए। अबे अब तो ऐसा खाली है भयंकर, ऐसा खाली तो ऐसे जानती तो 1991 में भी थी लास्ट टाइम, और दोबारा बैठ गया। मैं तुम्हें फिल्म करता हूँ। हाँ लोकेशन तो देखो यार, तुम्हें इसमें भी दिख रही होगी कितनी बेहतरीन है। अब इस भाई का स्ट्रगल बेटे, हाँ ऐसे रहेगा ना आशु, तो पीछे ना वो भी हो जाएगा, पीछे से गाड़ी तेरे ऊपर से जाने में भी वो नहीं होगी दिक्कत। चल ले चल ले अबे यार दिखा तेरी एफर्ट का वो तो देख। ओह माय गॉड मस्त, अभी दो भागों में हो जाता। फोटो ऐसे खींच रखी जैसे तो ऐसे खड़ा हुआ होगा।
फोटो ऐसे खींच रखी कि जैसे इसने कोई स्ट्रगल नहीं करा होगा। चापड़ बजा था मेरा। अबे यार आज रैपड़ मार रखे धरती चाटने वाले। चापड़ बना देता ना मेरा वो। आजू चला तो ले तू, लेकिन पीछे से जो भी आएगा ना उन पर थूकियो मत। हमें सीधा जाना है ना। हाँ चल मैं फिर आशु के पीछे बैठता हूँ। कह रहे यहाँ पर अभी लाइट जो है वो विपरीत हो रही है हमारे, तो फिलहाल चाय पीने जा रहे हैं। फिर जब थोड़ा लाइट कम हो जाएगी ना तब आएगी, क्योंकि किसी की भी फोटो अच्छी नहीं आ रही, इवन मेरी फोटो भी अच्छी नहीं आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भैया लाइट में ही खराब है। तो फिलहाल जो है सूरज दादा अभी यहाँ है, और जब हम वापस आएंगे तब देखते हैं कहाँ पर होता है ना। तो अब हम जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल से लोकेशन को बाय बाय टाटा करके, चाय वाय पी लिया और वापस उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हम फोटोज वगैरह खिंचाएंगे। क्या करें अब से आया करेंगे यहाँ पे, अच्छी लोकेशन बहुत आता है इस लोकेशन पे। आजू डगर मार के खुश हो गया, चाय बोल के दुनिया भर की चीजें पी ली इसने। देखो इस सुनहरी लोकेशन पे आशु भाई साहब दोबारा बर्नआउट मारने की कोशिश कर रहे हैं। आशु आशु बर्नआउट मारते हुए आउट ना हो जाना बस। आशु बर्नआउट की कोशिश कर रहे हैं। अबे टायर उड़ जाए वो ना उड़ जाए, मेरे को तो डर सा लग रहा। यार दूसरी वाली बाइक लेके आओ, ये बेकार है। बेकार है बाइक, बेकार है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अबे आशु तूने इसे पहले मारी नहीं डायरेक्ट आएगा तो फिर रहने दे। अबे तू अबे स्टैंड ही मार देता हूं ना। स्टैंड मार, ये सही है। अब वापस उस लोकेशन पे आगे देखो अभी का जो है वो ठीक है। हाँ अभी थोड़ा लाइट कम हो गई ना, काफी बढ़िया फोटो चल रही है। मेरे सास के पांच पुत्र थे, दो देवर। अभी हमारे आशु भाई का शूट चल रहा है, अब इसके बाद शूटिंग की डायरेक्ट फोटो देखेंगे। आशु हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद दिस पिक? वन मोर I think मेरी एक और पिक लेनी मांगता है। एक और टूथपिक से सका ले तेरी। इलेक्ट्रिक वाली भी तेज भागेगी। तो इलेक्ट्रिक वाली क्या बोलेगी, वो तो और तेज भागती है भाई। लगना भी चाहिए उधर देखो। तू किधर भी देख, तेरी फोटो तो बढ़िया है यार। आशु जो बात है, क्योंकि अभी देख लोकेशन भी इतनी प्यारी हो गई ना, ये जहाँ पे हम एकदम चौड़ में वीडियो और फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, यहाँ कभी भी हाथी आ जाता है और बोलेगा कि मेरी भी फोटो ले लो, हमें लेनी पड़ेगी। अब फोटो के बाद वो क्रेडिट देगा हमारा सर। क्या ओ सॉरी इसमें बैटरी नहीं है, बाद में बनाएंगे आपकी। हैं बाय। हमें ना जाना चाहिए क्योंकि हो रहा अंधेरा। अबे कुछ नहीं होता। अरे हाथी वॉक पे निकलेंगे अभी। वो सिंगल आएगा तो ट्रिपल आएगा। हाथी पता वॉक पे कब निकलते हैं? सुबह 3-4 बजे। दिक्कत नहीं है भाई, एकदम ठोक ठाक के चले जाएंगे। इनका महंगा वैसे गाड़ी को तो वो और फेंक के मारते हैं ऐसे ही बात। अबे यहां से कैसे आएगा हाथी, तू इमेजिन तो कर। हाथी नहीं चल रहे रोड पे, ये थोड़ी ना, ये तो मार ये मार रही है ना। टुकेगा कौन, देगा किसने? अब हो चुका है हमारा जाने का टाइम। क्या हुआ आशु, उसका घर कहां था? क्या तेरे को यहाँ से गाड़ी चलानी है? यहाँ से मैं घर कहाँ है उसका बता दो। किसका यहाँ से ये पास नहीं? हाँ वहाँ तक चला ले पर, ठीक है। हाँ तो चला तो रहो। आशु क्या कहते हैं गाड़ी क्यों चलानी है तेरे को, बाइक चलाने की इच्छा क्यों हो रही है तेरी? बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों बाइक चलाने। दोस्त से जाना है। कौन है मेरे दोस्त? दोस्त कोई कुछ भी हो सकता है। उसने मेरा बोला, तूने मेरी लगाया, देख तू खुद ही फंस गया। तू तो पकड़ा गया। चलो फिर चाचा कर दो फ्रेंड, अच्छे से जाना, बहुत लंबा रास्ता है तुम्हारा। तो ये भाई लोग हमें मिलने आए थे, अब जा रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। चलो फिर। हाँ सही है, चलो फिर सही अभी है, नहीं है, सही अभी नहीं है, अभी बाद में होगा सही। हाँ तो फिर आराम से जाना, जैसे भी होगा बढ़िया से अपना जर्नी करना, एंजॉय। अब हम यहाँ से जाएंगे बड़े घने जंगलों से। आवाज भी आ रही है ना? हाँ जानवर की जो आवाज भी आ रही है, इससे पहले साथी आ जाए। तब तक आप लोगों साथियों से हम करते हैं अलविदा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए चलो फिर सही।